फारसी में लिखा गया है, औरंगजेब का वो आदेश जिसमें वो मंदिर ढहाकर 17वीं शताब्दी में मस्जिद बनाने का आदेश देता है। और जो हमारी सच्चाई, जो हमारी मंदिर था, मंदिर की सच्चाई सामने अब उभर के खुल करके सामने आ गई। औरंगजेब, ये सच है कि हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है, और जीता जागता सबूत जो है आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। मतलब एसआई जांच हो तो ज्ञानवापी परिसर की एसआई जांच हो तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर सच है तो फिर डरते क्यों हैं? मतलब एसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। कुछ मुख्तलिफ हालात की वजह से कई लोगों को तो जबरदस्ती मुसलमान कर गए, जोर से कर गए, लालच दे के कर दिया। ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसे इसी को काशी विश्वनाथ या काशी धाम भी कहते हैं। तो उन्होंने 9 अप्रैल 1669 को ये फरमान जारी किया कि उनके इलाके में जितने भी मंदिर हैं वो सब तोड़ दिए जाए। तो जितने भी उनके सूबेदार और जागीरदार और जितने भी उनके अंडर में थे उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए जितने सारे तोड़ सकते थे उतने तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। सितंबर में तोड़ा गया इसको, सितंबर में, बल्कि अगस्त सितंबर में तोड़ा गया काशी के मंदिर को 1669 में। को हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा? ये सच है कि वो ये हरकत किया है। अगर अकॉर्डिंग टू गूगल, ये मुस्तनद बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू द गूगल अगर आप करें तो 60,000 के करीब मंदिर जो थे इन फॉरेन इन्वेडर्स ने आके यहाँ पे तोड़ के मस्जिदें बनाई, जो कुछ भी किया। आप जाते हैं, औरंगजेब ने काफी मंदिर तोड़े थे पूरे इंडिया में और जजिया लगाया था, क्या कहने किया। औरंगजेब एक ऐसा आदमी था जिसने अपने बाप और भाई के लिए जितने सारे तोड़ सकते थे उतने तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। सितंबर में तोड़ा गया इसको, सितंबर में, बल्कि अगस्त सितंबर में तोड़ा गया काशी के मंदिर को 1669 में। जो मासिर आलमगिरी जो किताब है, जो साकी मुस्ताद खान की लिखी हुई है, जो उन्हीं के वक्त का जो इतिहासकार था, हिस्टोरियन, तो उसने ये कहा कि 2 सितंबर को दरबार में ये खबर आई कि जो काशी का जो मंदिर था, जो कुफ्र का एक बड़ा एक स्थान था, उसको तोड़ दिया गया है। तो औरंगजेब वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन द 2 सितंबर, सो वी कैन टेक इट कि भाई अगस्त में किसी टाइम पे इसको तोड़ दिया गया। तो ये सब रिकॉर्डेड है, ये मासिर आलमगिरी में, आप कोट कर रहा हूँ, मासिर आलमगिरी साकी मुस्ताद खान। फिर उसी साल के रमज़ान में, जो कि जनवरी 1670 में, फिर उन्होंने मथुरा का टेम्पल तोड़ा, जिसको डेरा केशव देव कहते थे, केशव देव मंदिर का। और इसी तरह से फिर तो वो पूरे के वो हमारे बीकानेर के आर्काइव्स में, जयपुर में, जयपुर के जो आर्काइव्स हैं राजपूताना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ ये है कि आपको पता है कि राम मंदिर बन के तैयार हो गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई 22 जनवरी को, और बहुत धूमधाम तरीके से, मतलब हम लोगों ने, मतलब एक दिवाली की तरह, मतलब राम जी का स्वागत किया हमने तो किया ही है। साथ साथ में जहाँ पे हिंदू लोग जिस देश में रहते हैं उन लोगों ने भी किया, और भी कंट्रीज में मनाया, बाकी सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान में हिंदुओं को छोड़ के बाकी हर जगह, मतलब राम जी का हमने स्वागत किया और रामलीला की, मतलब हम लोगों ने गाथा दी, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने स्वागत किया हमारे राम जी का, और मंदिर, भव्य मंदिर जिसके लिए मतलब इतने सालों से लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई का आखिर में अंत हुआ और मंदिर बन गया। तो ये होता है कि मतलब पहले मस्जिद थी तो मस्जिद को तोड़ के हमने वह मंदिर बनाया, तो वो गलती की नहीं, क्योंकि बाबर ने, आपको पता, बाबर बाहर से आया था और बाहर से आकर उसने भारत के ऊपर हमला किया और भारत के बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए। तो वो अपना चला रहा था, भाई हम लोग इस्लाम के चलेंगे, इस्लाम की मस्जिद ही रहेगी, तो मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़ के उन्होंने मस्जिद बनाई बाबरी, और जिसको लेकर मुस्लिम लोग बस यही कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे मस्जिद थी नहीं, यूँ है वो, हाँ मस्जिद थी, लेकिन ये नहीं पता था कि मस्जिद से पहले वहाँ पे मतलब मंदिर था। तो सुप्रीम कोर्ट पे केस चला और आखिर में हमने जीत लिया। अब ये बात ये सामने आ रही है कि ज्ञान वापी जो है वहाँ पे भी मतलब सबूत मिले हैं कि वहाँ पे जो मस्जिद बनी है ना, वो वहाँ पे पहले मंदिर थे, वहाँ पे भी मतलब औरंगजेब ने, मतलब जो पहले शासन करता था उसने मतलब मंदिर तोड़वा दिए थे, तो और उसके ऊपर उसने मस्जिद बनाई थी। जिस बात जागते हैं कि कोई बेहरमती करेगा तो हम उसको मतलब मार देंगे, काट देंगे। अब जब इंडिया के अंदर कुछ होता है तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा हल्ला गुलाम जाते हैं कि भाई वहाँ पे एक्शन लिया जाए। जब चाइना के अंदर होता है तो हम क्यों नहीं। अब चाइना के अंदर एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और जो चाइनीज वर्कर है ना, वो विक्ट्री के निशान बना रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि चाइना के अंदर होता है तो ना हमारा मीडिया दिखाता है और ना ही हमारे लोग बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? बोलना तो चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं
और हमें बोलना चाहिए। नहीं बोलते क्यों नहीं है, चाइना के मामले में चुप कर देखो। उनमें ईमान नहीं है, में नहीं है कि उनमें नहीं है, उनमें नहीं है बोलते तो हम नहीं है, हमारे में भी नहीं, क्योंकि मुसलमान जो है एक दूसरे का देखना चाहिए कि मिल बांट के रहना चाहिए, मुसलमान मुसलमान के काम आता है, यहीं से इंसानियत जागती है इंसान की, लेकिन उनमें नहीं है, या तो हमारे में नहीं है या देख लें उनमें में नहीं है। वो तो है ही नॉन मुस्लिम, उनको क्या कहना, लेकिन जब वहाँ पर बेहुरमती होती है, जब वहाँ पर मस्जिद तोड़ी जाती है, तो हम क्यों नहीं बोलते चाइना के, क्यों हम गुलाम बने हुए हैं? बस क्या कहते हैं, चाइना की हर चीज़ तो चाइना की है, तो इसलिए गुलाम बन गए सारे के, हर चीज़ रुपए की चीज़ है वो भी चाइना की है। चाइना ने अपने आप को इतना फैला लिया है कि हर बंदे का मुगन कर दिया, तो करे ना अपना मुल्क, तो चाइना हर कुछ दे रहे हैं ना, पाकिस्तान भूखा है ना, मतलब जो हमें देगा इस्लाम की बेहुर्मत भी करेगा, हम चुप रहेंगे, ये चुप रहे आप रहेंगे, क्यों रहेंगे, बोलो चुप है ना, हम अभी तक चुप हैं। एक बंदे के बोलने से कुछ नहीं होता, सब मिलके बोलो। देखिए ना, मैं यहाँ पर मुझे पता चला, जब पता कहाँ से चलेगा, न्यूज से, हमारा तो न्यूज ही नहीं दिखाता, वो दिखाता ही नहीं ये बात। अभी अगर इंडिया के अंदर लास्ट टाइम बेहुरमत हुई थी, पूरी न्यूज के ऊपर था, यहाँ पर रैलियां निकाली गई, यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, मैंने भी कवर किया था उसको। देखे ना, कि इंडिया के अंदर होता है तो हम उनको गंदा करते हैं, लेकिन चाइना के लिए नहीं बोलते, क्यों? बोलेंगे बोलेंगे, आप टेंशन नहीं लो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, आपने शुरुआत आप मैसेज दे, बोलेंगे, अपना पैगाम दे मुझे भाई, पैगाम ये, हम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हमारे मजहब की हुर्मती होगी हम सब मिलकर खड़े होंगे, चाइना के खिलाफ भी, हर एक के खिलाफ, कोई भी हो वो, कोई भी हो। आप क्या कहेंगे सर? मैं भी यही बोलूँगा इंशाल्लाह कि मुसलमान, अगर हम मुसलमान हैं तो ज़ाहिर है वहाँ भी हमारे जैसे मुसलमान हैं, अगर हमारे में ये जज्बा होगा तो ज़ाहिर है उनको देख के डबल आएगा, तो हम तो यही चाहेंगे इंशाल्लाह कि सब मिलकर करें। करते क्या हैं? मैं बेसिकली ऑटो चलाता हूँ। मुझे बताइएगा कि इस टाइम जो है कहीं भी हम देखते हैं, जब इसराइल के भी मसला फलस्तीन के साथ चल रहा है, लेकिन उस तरह से हमने आवाज़ नहीं उठाई, क्यों नहीं उठाई, क्यों हम उनके साथ नहीं आवाज़ उठाएगा जब तक सब मिलकर एक नहीं होंगे? क्यों नहीं एक हो पा रहे, होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहे, होना चाहिए, हो रहे ना, हमें इतिहाद नहीं। पता क्या वजह है, इस वक्त हर बंदा महंगाई से परेशान है, हर बंदे को आटे रोटी की टेंशन है, अब वो अपने घर की जरूरियात पूरी करे या इन लोगों के पीछे भागे। हमारे ऑफिशियल, हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं हम जंग करेंगे, हम जंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, तो रोटी नहीं खा रहे, जंग कौन करेगा, भूखे पेट जंग होती है। हम लोग इसलिए डरे हुए हैं, आप देखिए, जैसे आप मुझे बोल रहे कि आप नहीं जा रहे, चले मैं अपना मानता हूँ, मैं निकलता हूँ रोड पे, मेरे पीछे न्यूज चैनल है, सब होगा, आज मैं न्यूज चैनल में नजर आ रहा हूँ, कल मैं नजर ही नहीं आऊंगा, एक बात है, क्योंकि हम डरे हुए हैं, नहीं है ना, फ्रीडम नहीं है, हमें अपने बच्चों का पीछे देखना है, क्योंकि हम पीछे अगर देखेंगे नहीं तो हम कैसे जिएंगे। पाकिस्तान तो आजादी के नाम पे मिला था ना? लेकिन आजादी है कहाँ, कहाँ है आजादी, यहाँ तो हमें खुद गुलाम बनाया हुआ है, आटे रोटी के खाते बच्चे गुलामी में मेहनत कर करके बच्चे पाल रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है जहाँ बच्चा पैदा हो तो कर्जदार है, लेकिन बाहर जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं, जाते हैं, तालीम मुफ्त है उनकी, उनकी हर चीज़ में घर घर जाके पता किया जाता है, राशन उठा के उनके दरवाजों पे रखे जाते हैं, हमारे यहाँ तो छीन के ले जाते हैं, हम कहाँ जाएं? हमें एक होके अपने मोशन को ठीक करना पड़ेगा, पाकिस्तान का नाम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, थैंक यू सो मच। असल में चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, तो हमें इस्लाम पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी मुल्क है इस्लाम के अलावा कोई चीज़ हो तो उस पर कम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। चाइना अगर दोस्त है तो दोस्त करेगा तो माफ़ कर देंगे? नहीं नहीं, चाइना ने लास्ट टाइम एक डिसीजन लिया कि आईफोन से ना कुरान के ऐप को डिलीट करवा दिया है, आईफोन एंड से, तो वो उसके मिलियन यूज़र्स थे लेकिन ये चीज़ डिलीट करवा दी है, और पाकिस्तान ने सफारती। तो दोस्तों आपने देखा ये रिएक्शन कैसे, मंदिर मतलब पहले मंदिर बने थे, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी, बाकी ये तो इसका भी चलेगा कुछ ना कुछ, और काम कर रहा है इसके ऊपर भी। बाकी दोस्तों आपको सभी जनवरी की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपको पता है कि आज ये के दिन हमारा संविधान वो लागू हुआ था, और जिसके बाद जो भी कानून कार्य जो वहाँ से मतलब संविधान के बाद में जो भी हम लोग उसका पालन करते हैं, और बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना।